Hey guys, welcome back to another vlog guys. क्या हाल है आप सभी के? तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और एक और व्लॉग में। तो गाइज यार, अभी कल वाला व्लॉग ना मेरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। मतलब हमने पूरा शूट किया था, फिर उनको जो हम सॉन्ग शूट कर रहे थे उसमें उनको कैमरे की जरूरत पड़ी, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो वो नहीं हो पाया गाइज, थोड़ा सा आधा ही रह गया। तो फिर मेरा मन नहीं करा शूट करने का, जब कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई थी। और बस क्या बताऊँ, छोड़ो अभी कल वाली बात छोड़ो। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज ना देखो अभी घर पे क्या सीन है, अभी मैं बताता हूँ। मम्मी पापा तो गए हुए हैं गांव, ठीक है, क्योंकि उनको शॉपिंग वगैरह करनी थी शादी की, तो वो गांव चले गए। और यहाँ पे भी मैं, तुषार है, सनी है, ठीक है, और बाकी एक बहन है, बाकी एक बहन चली गई है साथ में ना। भाई अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ बताना है वो मैं बताऊँगा बाहर निकल के, क्योंकि अभी तुषार है यहाँ पे और सनी को तो मैंने बता दिया है खैर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सनी मेरे साथ जा रहा है। और आज यार, आज मतलब आप लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई KTM से व्लॉग नहीं बनाते हो आप, तो यार KTM से ना GoPro नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं KTM से व्लॉग नहीं करता हूँ। बट आज गाड़ी लेकर तो पापा निकल गए भाई सुबह सुबह, तो फिर आज KTM पे ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सनी को ले जा रहा हूँ। पीछे कैमरा पकड़ के तो बैठ ही जाएगा। आज हम KTM से जाने वाले हैं, तो मतलब मोटो व्लॉग होगा कुछ टाइप का, मोटो व्लॉग शूट करेंगे आज, ठीक है। और आपको भी बहुत सारा मज़ा आएगा व्लॉग देख के। KTM पे थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार लेता हूँ। सनी पकड़ो भाई, आ जाओ, KTM निकालते हैं हम लोग। तो देखो KTM यहीं पे खड़ी है जहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है, और इसको अभी बाहर निकालना है KTM को। सनी रुकियो, पकड़ रहे हैं, मैं कपड़ा मार दूँगा इस पर, ठीक है। भाई बहुत दिनों बाद चलाने वाला हूँ मैं इसको, मतलब बहुत काफ़ी टिक, कितने दिन से नहीं चलाई, कई दिन हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए यार कम से कम। और ये मैंने चलाई कहाँ है 31 तारीख के बाद, जब से गाड़ी आई है तब से चलाई नहीं है यार। कहाँ जा रहे हो? ये देखो आरू को, देखो आरू, लो आरू कपड़ा मार दो, इसको कपड़ा मार दो, साफ कर दो आरू गाड़ी, आरू साफ कर दो भाई साहब। हेलो तो बोल दो, हेलो हाय कर दो। तो गाइस चलो फिर इसे मैं लाओ दे दो, चलो आप रहने, मैं कर देता हूँ। भाई बाइक तो मैंने निकाल लिया बाहर, और इसको देखो आरू को ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। आरू इधर देखो, क्या कर रहे हो? अच्छा यहाँ बैठना है, देखो आरू बैठने के लिए कह रही है। अब इसे कैसे बिठाऊंगा, इस वाली बाइक पे बैठ नहीं पाती है ये। तुषार जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सनी को भेज दे यार फटाफट। कहाँ जा रहे हो? गर्मी भाई कितनी गर्मी। आ रहा हूँ मैं अभी, मैं भी चलूँ? तू स्ट्रीम करना भाई, तू क्या करेगा? अरे तुम्हें KTM चलाने वाला भी तो चाहिए। KTM तो मैं चलाऊंगा ना, अब क्या तू चलाता रहेगा क्या? मैं तो गाड़ी भी तेरे को चलानी है, KTM भी तेरे को चलानी है, मैं क्या चलाऊंगा फिर? अब आज मैं चलाऊंगा। बता कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ मैं, तू स्ट्रीम कर, स्ट्रीम स्टार्ट कर, आज तेरे लिए सरप्राइज है, आज तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो मैं तेरे को आके बताने वाला हूँ कि क्या सरप्राइज तेरे को आज मिलेगा। मैं स्ट्रीम करूँ और सरप्राइज तुम लेके आओ? ये सरप्राइज मैं लेके आऊंगा ना, तू तब अच्छा होगा ना, मैं भी चलूंगा सरप्राइज लेने। फिर क्या, फिर सरप्राइज नहीं है ना, सरप्राइज वही है कि घर आ जाएगा तेरा सरप्राइज भाई। अरे तुषार बहुत मतलब आज तू मतलब पागल हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। मैं भी चलूंगा। नहीं तू गैस कर, क्या चीज़ हो सकती है? सब चीज़ तो है, सब चीज़ तो है, क्रेटा नहीं है, क्रेटा भी चाहिए। क्रेटा तो लेने नहीं जा रहा। पीसी चाहिए मुझे अभी, एक पीसी भी चाहिए। पीसी लेने जा रहे हो? नहीं पीसी तो तेरे पास है ना, वो तेरा ड्रीम नहीं है, बट मैं ला रहा हूँ कि तू देखियो। क्या मेरा ड्रीम क्या है? सोच ले, गैस कर ले। चले सनी, तो गाइस सनी भी तैयार होके आ गया है, सनी तैयार हो गया गया, तो हमें जाना पड़ेगा। और यार मैं जूते पहनना भूल गया। मेरा ड्रीम क्या हो सकता है? मेरे पास KTM, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, तो ड्रीम क्या हो सकता है? और ना मैंने तुम सभी कुछ बोला है लाने के लिए। मेरे पास माँ है। सनी हंस रहा है, डायलॉग मार के है सनी। चले तुषार, बाय बाय तुषार। देखो इसका ही मन कर रहा है जाने का, बट इसे लेके नहीं जा रहे हम लोग। तुषार तू आज यहीं रह, स्ट्रीम कर, और हम लोग जा रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। सो सनी चल बैठ। अरे मास्क लेने हैं, चल मास्क रास्ते में से लेता हूँ। तो गाइस हम लोग ना पास ही में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। बाय तुषार, तुषार मुझे लेके चलो ना। तू भी चलेगा? ज़्यादा जगह नहीं है भाई। तो उतर, मैं चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आरू बाय बाय कर दो। आरू रोने का नहीं। आरू बाय,
बाय बाय करो पहले, बाय बाय। अरे यार अच्छा ही लग रहा, अच्छा ही चल तो साथ, देखो दोनों के मुंह, देखो दोनों के। चलो सो गाइस, यार पैसे भूल आया मैं घर पे, तो मैंने सनी को भेज दिया है पैसे लेने के लिए, थोड़ी दूर पे ही है। अभी मैं गली के बाहर ही खड़ा हूँ अपनी, और सीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आज मैं जा रहा हूँ एक नया फ़ोन लेने, तुषार को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा फ़ोन आ रहा है कौन सा नहीं, तो वो आप लोग देखना ब्लॉग में। वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने, थंबनेल से तो पता ही चल जाता है आजकल कि क्या होने वाला है ब्लॉग में, ठीक है। तो तुषार का रिएक्शन देखेंगे जब मैं तुषार को ला के दिखाऊंगा। मैंने तुषार को ना बिल्कुल नहीं बताई है कि हम लोग एक वो ले रहे हैं, एक फ़ोन ले रहे हैं, मतलब एक आईफोन ले रहे हैं, ठीक है, वो भी 12 प्रो ले रहे हैं। तो तुषार का रिएक्शन देखते हैं भाई, बड़ा कमाल होगा, मतलब क्या ही बोलता है वो देखते हैं। तो मैंने सनी को भेजा और मैं धूप में खड़ा हूँ यार, और अभी मास्क भी लेना है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मास्क के बिना एंट्री नहीं है, क्योंकि जो अपना गौर मॉल है यहीं पर गाइस क्रॉसिंग से निकलते ही ना गौर मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, तो गौर सिटी मॉल, तो वहाँ से हम लोग आईफोन ले रहे हैं। और एक दोस्त को भी बुलाया मैंने, तो उसको फ़ोन कर देता हूँ मैं। अभी हम लोग आ चुके हैं गौर मॉल पे, ठीक है, और यहाँ पे अभिषेक भाई है हमारे, और इनको तो आप जानते हो, सुमित भाई, क्या हाल है सुमित भाई? अभिषेक भाई कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो हम जा रहे हैं गौर मॉल में, और अंदर प्रॉब्लम हो गई, कैमरा अलाउ नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, कैमरा ले जाने देते हैं या नहीं, बताता हूँ आप लोग को, ठीक है भाई। अभी हम लोग यहाँ आए थे गौर सिटी मॉल में, और हमने यहाँ पे तीन शोरूम देखे जिसमें आईफोन अवेलेबल था, बट अवेलेबल नहीं था, मतलब कहने मतलब जहाँ पे आईफोन मिल सकता था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा, बट तीनों में नहीं मिला, ना क्रोमा में मिला और ना रिलायंस में मिला, और यहाँ पे एक आईफोन का खुद का है ऑथोराइज्ड, उसमें भी हमें आईफोन 12 प्रो नहीं मिला है। तो अभी मुझे लग रहा है मुझे चौधरी मोड़ जाना पड़ेगा, वहीं पे देखते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे गांधीनगर HD कम्युनिकेशन में, संजय भैया हमारे साथ, तो सौरभ भैया के साथ मैं पहले भी कई बार फोन ले चुका हूँ यहाँ से, तो हम लोग सारे में घूम के सौरभ भैया ने बोला भाई तू यहाँ आ, हम दिलवाते हैं तेरे को फोन, तो भी मिल गया अपने को। गाइस आईफोन अजीब, मतलब बहुत वीडियोज देखी मैंने इसकी, इतनी वीडियोज देखी हुई है, और मैंने सोचा हुआ था इसको भी लेना है बहुत जल्दी, लेकिन गाड़ी वगैरह लेने में बस थोड़ा नहीं ले पाया उसको, बट आज ही अपने पास है, और अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, और प्लस तुषार को जाके दिखाएंगे घर पे, तुषार तो फुल सरप्राइज हो जाएगा, सनी क्या बोलता है? ठीक है, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ, उसे मैं घर में बता के नहीं आया कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, और वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है, मैं अभी लाइव देख रहा था उसकी, तो वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो घर जाके दिखाएंगे उसका रिएक्शन, देखेंगे कैसा होगा, देखते हैं गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करके, ठीक है। सनी भैया बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन के लिए, कुछ अच्छा लग रहा तो हमसे ले रहा है। हाँ कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, मतलब स्टोर में शूट नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे भाई स्टोर में कैमरा अलाउ नहीं है, गौर मॉल में गए थे वहाँ कह रहे कैमरा अलाउ नहीं है, हम शूट नहीं करने दे सकते, मतलब फिर वहाँ से वापस आ गए कि भाई यहाँ से नहीं लेंगे, जब शूट ही नहीं करने दे रहे तो क्या फ़ायदा, मतलब व्लॉग भी शूट नहीं करने दे रहे भाई, अलग ही लेवल है। तो भाई अभी इसको खोलते हैं हम लोग, ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को खोल के कि कैसा है अंदर से। यस आईफोन पे सुमित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे खुलवाते गाइस, मैडम जी फटाफट से खोल लो। सो भाई अरे भाई साहब, अरे भाई 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 बेहतरीन, कैसा लग रहा है सनी? हैं बढ़िया, लेकिन लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो खुद डिब्बा में कुछ है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है। चलो वीडियो देख के सबको पता है कुछ नहीं निकलता है इसमें। भाई साहब कैसा लग रहा है गाइस बताना मुझे कमेंट में, आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है? मैं तो भाई हाथ में लेके अलग से लेवल फील ही अलग आ रहा है। हेलो सो भाई देखो ये आपको हेलो बोल रहा है फ़ोन, नमस्ते भी बोल रहा है, नमस्ते ऐसा मातृभाषा हिंदी है हमारी। अरे हिंदी सिलेक्ट करना था सिम है, एक जियो की है एक उसकी है वोडाफोन की। वोडा की है ना, वोडा की फिजिकल लगा लेना, जियो की सिम करा लेना। कहाँ पे होगी? जियो की भी जियो स्टोर पे हो जाएगी, तो मिल जाएगी। नहीं समझा ना, जाओगे वो कर देंगे तुरंत। तुरंत अब सिम की जरूरत नहीं पड़ती, अब ओनली नंबर एक्टिवेट होता है। नंबर बताओगे वो जियो सिम आपकी, ठीक है, उसे ई सिम कर देंगे। अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सुमित भाई हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे पहुंच गई। अच्छा वोटर निकल गया। सनी तेरे पे भी कोई ई सिम? सनी कह रहा, सनी कह रहा मेरे पता पली नहीं है। सिर्फ जियो के अलावा नहीं चलती, किसी की भी एयरटेल चलती है। ये भैया हमारे सौरभ भैया, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं भाई। बढ़िया हो? मैं तो ये तीसरा आईफोन है आपकी दुकान से, आपको याद हो तो। अभी तो यार बहुत सारे जाने आ गए। अरे बहुत बढ़िया। टनन गाइस फोन हो गया अपना रेडी, ठीक है, और हम लोग निकल रहे हैं यहां से घर की तरफ। और चढ़ा दिया भाई कवर भी। हां कवर गुड यार, कवर सही लग रहा है ना, पीछे से ब्लैक कलर, ग्रे कलर है, ठीक है, ग्रेफाइट कलर है, ग्रेफाइट बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा कलर है। चलो बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच संजय भैया, ओके जी थैंक यू आपका, ठीक है। फिर आएंगे, फिर लेंगे दो चार फोन और। चलो चल रहे हैं अभी, ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। अभी सब कुछ काम कराना है, ई सिम कराना है, ई सिम का काम और कराना है। चलो रख ले बिल वगैरह भाई, चला भैया बाय बाय, ठीक है बाय बाय, मिलते हैं फिर दोबारा। So guys, finally हम लोग आ चुके हैं घर पे, yes, घर पे आ चुके हैं हम लोग। तो guys, फोन तो ये है अपने हाथ में, और अभी तुषार से अनबॉक्सिंग कराएंगे। तुषार फोन लेके आया हूँ नया, बटे मेरे लिए है, अनबॉक्सिंग तू करेगा, फोन मेरे लिए है लेकिन अनबॉक्सिंग ये करेगा छोटा भाई, छोटा भाई है। अच्छा तुषार को पता ही नहीं है कौन सा कह रहा कौन सा लाए हो। आरू आरू बेटा कैसे हो आप, कैसे हो? रुक डैडी क्या लाए, अरे रुक जा अंदर जाके खुलेगा। चलो चिज्जी लग रही है, चिज्जी नहीं है भाई ये। सो गाइस तुषार आर यू एक्साइटेड फॉर अ न्यू फोन अनबॉक्सिंग? काफी मोटा डिब्बा है, देख डिब्बा काफी मोटा है। सो गाइस चलो तुषार से करवाते हैं अनबॉक्सिंग। लाओ मेरे को दे दो कैमरा सनी भाई, ले तुषार भाई अनबॉक्सिंग करो इस कैमरे इसकी, तुषार इसकी अनबॉक्सिंग कर। ओह हाय गलत। ओह अबे कुछ भी नहीं है उसमें। ओह मैं कह रहा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, कहां से ले आया? अरे मैं वो ना रुको, 12 प्रो बोलते ब्रो। भैया हां मेरा वन प्लस 8 लाइयो क्या? प्राइस नहीं देखे अभी तक, बिल में देख ले कितने रुपए का है। 1,20,000 का है, 1,20,000 का लाओ। देखा पैसे के नाम पे दे दिया इसने, फिर पता है इसके यूट्यूब से इतना आता ही नहीं है। आपके लिए आरू को दिखाओ, आरू नया फोन नहीं 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 आरू फेंकना नहीं है, नहीं नहीं आरू लाओ दे दो हाँ शाबाश, हाय कर दो सबको, हेलो कर दो, ऐसे कर दो ऐसे ये। अभी गाइस क्या सीन है, पापा मम्मी तो अभी आए नहीं है गांव से, तो उनको दिखा नहीं पाया हूँ मैं, बाल मेरे सब ऐसे ही हो रहे हैं गाइस अभी, तो छोड़ो चलो इग्नोर करो भैया। हम्म, क्या जरूरत थी इसकी?
ऐसा मत बोला कर यार। थैंक यू सो मच, मेरे लिए जरूरत नहीं, मेरे को जरूरत नहीं थी इस फोन की भैया। हाँ तो तेरे लिए थोड़ी लाया हूँ, तेरे लिए है ना वन प्लस। ये देखो दो दो वन प्लस धर के बैठा हुआ है तू, ये मतलब ये मेरे लिए नहीं है, दो दो वन प्लस धर के बैठा हुआ है। और तो तुम बोल रहे थे कि तेरे लिए सरप्राइज है, तेरे लिए सरप्राइज है। हाँ मतलब तेरे लिए सरप्राइज है। तो ये दोनों सरप्राइज ये है, ये दोनों वन प्लस 8 एक लाख के होते हैं, रख लो। नहीं 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 ये मेरा होगा। तेरे लिए सरप्राइज ये था कि तेरे भाई ने iPhone 12 Pro ले लिया ब्रो, गॉड आर्मी ओपी भैया। भाई ये दोनों फोन तू रख, ये अकेला इन दोनों पे भारी है, इसमें PUBG लाइट नहीं चलता है। और ये वन प्लस जो मेरा वाला कौन सा है, ये मेरा वाला है, तेरा वाला है, ये मेरे वाला वन प्लस है, ये मैं रख लेता हूँ, तेरा वाला तेरे पे। अब तू मेहनत कर यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मेहनत कर। और भाई आईफोन क्या, तू आईफोन 13 भी लियो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चल बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, ठीक है, ओके। गजब बेइज्जती है। इसमें मेरे लिए सरप्राइज क्या था? सरप्राइज यही तो है तेरे भाई ने। नहीं, नहीं इसमें मेरे लिए क्या सरप्राइज था? यही कि तेरे भाई के पास iPhone 12 है। मैं यहाँ दोपहर से इंतजार करे जा रहा हूँ भाई, क्या ला रहे हैं यहाँ मेरे लिए ऐसा? वैसे मेरे को चाहिए तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्या ला रहे हैं आज ये वो। भाई देखो भाई अभी ऐसा है, अभी मैंने अपने लिए लिया है, मैं कुछ दिन चला के देखता हूँ कि कैसा है ये फोन, फिर तेरे लिए भी लेके आऊंगा। तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तेरा बर्थडे आ रहा है भाई, इसका बर्थडे आ रहा है 14 सितंबर का, तो कुछ देना पड़ेगा ना। अभी दे दूंगा तो तब तक मैं दूसरी गाड़ी निकाल लूंगा। हलवा है, गाड़ी निकाल लूंगा कुछ भी मतलब। सो गाइस, मम्मी पापा को नहीं पता अभी हमारे इस फोन के बारे में कि 1,20,000 का फोन ले लिया है, तो उनको नहीं पता है, वो लोग गांव में है अभी, कल आएंगे, कल मैं दिखाऊंगा, कल उनको लोगों का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। कैसा फोन, बढ़िया? चलो फोन पसंद आ गया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फोन ऑफकोर्स पहला आईफोन है गाइस मेरा, मैं कब से मेरा ड्रीम था कि भाई आईफोन मेरे पास होना चाहिए, मतलब लेना आईफोन चाहिए। आईफोन 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब चले गए, आईफोन नहीं ले पाया, बट आज आईफोन 12 लेके आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और अभी आगे के ब्लॉग्स हम बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोग ब्लॉग्स को भी आगे शूट करेंगे। एंड गाइज गाइज भैया के चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना सारे भाई लोग, क्योंकि जल्दी से 100K करते हैं फिर। और गॉड तो 100 रुपए वाले इंस्टाग्राम पे ध्यान देना, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और कल हम लोग मम्मी पापा का रिएक्शन भी देखेंगे, फोन को दूंगा, पापा ये देखो फोन, मैं कल प्रैंक करेंगे पापा साथ, पापा ये देखो फोन, पापा से पूछेंगे कितने रुपए का है, पापा कहेंगे कितने का है, होगा 26,000 का, 10-20,000 रुपए का, फिर बताऊंगा उनको इनके रेट, फिर उनका रिएक्शन देखना भाई, कहते पापा ओपी, पापा ओपी हो जाएगा। पापा को पता नहीं चलना चाहिए अभी। हाँ अभी पता नहीं चलना चाहिए, स्टेटस वगैरह मत डालो तुम। हाँ स्टेटस अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं, मैं बेसर डाल सकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, देख रहे हो, तो उसने भी, उसने और भी प्लस उठाया है, एप्पल नहीं उठाया उसने भी। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे इसी चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना डेली ब्लॉगिंग के लिए। जल्दी हो रही है, मैं जा रहा हूं, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोगों को फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी भाइयों को, मेरे भाई थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सभी भाइयों को, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू।